चोमू की जन समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी एवं क्या मैनिफेस्टो बनना चाहिए हमारे विधानसभा के लिए, एक पत्रकारों के लिए भवन होना चाहिए, एक उनकी सुरक्षा के पे बात आई, उस पर भी हम लोग एक दो दिन में मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी और मैं खुद अधिकारियों से उसको चेक करा के सखी संवाद कर रहे हैं, घर घर कांग्रेस कर रहे हैं और हमने अभी रेल यात्रा करी है, अब हम बस यात्रा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेत्री रुक्मणी कुमारी ने आज अपने कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र के पत्रकारों के साथ पत्रकार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर रुक्मणी कुमारी ने पत्रकारों से पत्रकारों के हितों के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर भी खुलकर चर्चा की। चर्चा के दौरान पत्रकारों ने भी अपने हितों पर चर्चा करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे कई मुद्दों पर बेबाक बात रखी। वहीं विधानसभा क्षेत्र में आमजन से जुड़ी कई समस्याओं को रखा, जिस पर रुक्मणी कुमारी ने समस्या का जल्द समाधान निकालने की बात कही। आज हमारे पत्रकार साथियों के साथ संवाद था, चोमू की जन समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी एवं क्या मैनिफेस्टो बनना चाहिए हमारे विधानसभा के लिए, उस पर भी हमने चर्चा करी। काफ़ी ऐसी समस्या, गंभीर समस्या भी हमारे सामने आई है, हम कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान करें एवं बहुत अच्छा लगा आज हमारे पत्रकार साथियों से मिलकर, बहुत समय से मैं मिली नहीं थी, आज उनसे भी उनकी भी समस्याएँ जानी और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे पत्रकार साथियों की भी जो समस्या है उन पे भी हम विचार करके एक बेहतर मैनिफेस्टो बना सकें एवं आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा कर जाएं। जी, आपके कोई सवाल हैं तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। जी, आज सबसे पत्रकारों की बात हुई कि एक पत्रकारों के लिए भवन होना चाहिए, एक उनकी सुरक्षा के पे बात आई, तीसरी उनकी पर्सनल को भी समस्याएं हैं उनका मैं समाधान कर सकूं, उसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप कोविड के समय में भी और हमेशा जब भी कोई आपदा होती है तो आप हमेशा पहले आगे होके इस विधानसभा क्षेत्र की सभी समस्याओं को हमारे समक्ष लेके भी आते हैं, तो हमारी जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके साथ ही आपकी समस्या है उनको भी हम समाधान करें। जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने पानी तो है ही, पानी कैसे लाना है, क्या करना है, उसके लिए भी हम एक डॉकेट बना रहे हैं, वो कुछ समय के बाद आपको बताएंगे। दूसरी समस्या बहुत बड़ी, काफ़ी पत्रकारों ने बताई, सरकारी अस्पताल में बहुत समस्या है, उस पर भी हम लोग एक दो दिन में मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी और मैं खुद अधिकारियों से उसको चेक करा के देखेंगे कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तीसरी, हमारे कुछ बहुत सारी हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम सखी संवाद कर रहे हैं, घर घर कांग्रेस कर रहे हैं और हमने अभी रेल यात्रा करी है, अब हम बस यात्रा करना चाहते हैं यहाँ के युवाओं और महिलाओं के साथ, तो संवाद करेंगे कि क्योंकि वो लोग से जनप्रतिनिधि मिल नहीं पाते हैं जो सुबह से शाम बाहर रहते हैं, तो एक अच्छा माध्यम है, मैं उनसे मिल भी सकती हूँ और उनसे चर्चा कर पाऊँगी कि क्षेत्र की क्या समस्या है और बस यात्राओं में भी क्या क्या समस्या है, सिक्योरिटी हो सकती है हमारी बच्चियों के लिए या कोई बस टिकट की हो सकती है, जो जो समस्या है उनको भी मैं सुनूंगी एवं समाधान करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और कांग्रेस की तरफ से, चोमू की तरफ से भावी प्रत्याशी देख रहे हैं लोग आपको। जी, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगी मैं एक कांग्रेस पार्टी की बहुत ही बोलते हैं निष्ठावान और जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिसको भी टिकट मिले उसके लिए हम उसको जीत भी दिलाएं और उनके साथ लग के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ये मैंने कहा बहुत पहले भी, मैं कहती हूँ मैं इस क्षेत्र में सिर्फ एक MLA बनने के लिए नहीं हूँ, मैं मेरे पूर्वज इस क्षेत्र से आते हैं, मैं इस क्षेत्र से प्यार करती हूँ, मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, तो मैं हर प्रबल कार्य इस क्षेत्र के लिए करूँगी। जी मैडम, चोमू के लिए क्या विजन है आपका? चोमू के लिए मेरा विजन है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण हम पानी लेके आएंगे, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है चोमू शहर में भी, गाँव में, ढाणियों में भी समस्या है, उस पानी को कैसे ला सकते हैं वो एक मेरा विजन रहेगा। और इनफैक्ट इस बार मुझे लगता है कि जनता की सरकार बननी चाहिए, जो जनता की जन समस्या है गाँव ढाणी तक उसको हम कैसे उसका समाधान कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। कहीं काफ़ी जगह पे रोड्स नहीं है, काफ़ी शहर में नालियों की भी समस्या है,
बस स्टॉप की समस्या, कहीं बस नहीं रुकती है, हॉस्पिटल्स की समस्या है, तो एक डॉकेट बनाया है। हमारा डॉकेट ऐसा होगा कि ग्राम पंचायत मैनिफेस्टो बनेगा कि हर ग्राम पंचायत में क्या समस्या है। अगर